नमस्कार दोस्तों, ये शिशु एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे आप डेली 7500 रुपीज़ कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेली 7500 रुपीज़ कमा सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, स्ट्रेटजी को समझ लीजिए और इसको स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। इसको आपको ऑब्जर्व करना है चार्ट पे, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस आप समझ लीजिए और इसको आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है और डेली 7500 कमाना है। टारगेट रहेगा 200 पॉइंट का दोस्तों। ये पूरा स्ट्रेटेजी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो जो टेक्निकल चार्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसका टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का, और 15 मिनट का कैंडल को आपको ऑब्जर्व करना है दोस्तों। और आपको दो लॉट में ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के दोस्तों। दो लॉट में आपका जो फर्स्ट लॉट रहेगा 100 पॉइंट में एग्जिट करना है, और सेकंड लॉट रहेगा वो 200 पॉइंट में एग्जिट करना है। और यहाँ पे आपको मार्जिन का क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो नेकेड मार्जिन की बात करेंगे तो आपको 3 लाख टू 3.2 लाख मार्जिन लगेगा दो लॉट के लिए। तो अगर आपके पास मार्जिन का इश्यू है तो उसके लिए सोल्यूशन भी अवेलेबल है दोस्तों। जैसा आपका बाय का केस रहेगा बैंक निफ्टी फ्यूचर, अगर आप बाय करना चाहेंगे तो उस टाइम में आपको उसके लिए एक हेज पोजीशन लेना है, तो आप पुट को बाय कर सकते हैं। तो पुट को आप थोड़ा सा दूर का पुट बाय करेंगे तो उस कंडीशन में आपको हेज पोजीशन का बेनिफिट मिल के आपको जो मार्जिन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40 से 50% कम हो जाएगा, यानी 50 से 60,000 में एक लॉट आप ले पाएंगे, यानी दो लॉट के लिए आप 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास आप मार्जिन बेनिफिट लेके उसको ट्रेड कर पाएंगे। तो जिस किसी को भी इस टाइप की समस्या है उसको दूर का बाय हेज पोजीशन लेना है, दूर का कॉल या पुट को, जैसा बाय या सेल पोजीशन रहेगा उस हिसाब से। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर को लॉन्ग किया है और बैंक निफ्टी की पुट 35,500 की बाय किया है। तो इस हेज पोजीशन के साथ इसमें जो बेनिफिट मिल रहा है मार्जिन का, लगभग 98,467 रुपीज़ का मिल रहा है दोस्तों। यानी एक लॉट ट्रेड करने के लिए हमको टोटल मार्जिन लग रहा है 61,000 के आसपास। तो इस टाइप से आप पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ये जीरोदा का मार्जिन कैलकुलेटर है दोस्तों। जीरोदा में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जीरोदा का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है दोस्तों। आप चलते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो ये आप समझ गए इतना पोर्शन दोस्तों। टाइम फ्रेम 15 मिनट, ट्रेड टू लॉट्स, वन लॉट 100 पॉइंट में एग्जिट करना है, सेकंड लॉट 200 पॉइंट में एग्जिट करना है। मार्जिन बेनिफिट जिसको लेना है वो हेज पोजीशन के साथ मार्जिन बेनिफिट ले सकता है दोस्तों। अगर आपको डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड IIFL सिक्योरिटीज, ये फुल सर्विस ब्रोकर है दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक्सलेंट रिसर्च कॉल मिलती है और बैकअप सपोर्ट टीम में RM आप कॉल आउट होते हैं, और इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ऑल इन वन काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, और हर टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस सभी में आप ट्रेड कर सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज रहेगा लाइफ टाइम के लिए दोस्तों डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर, और इंट्राडे के लिए फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्जेस है। फर्स्ट ईयर AMC फ्री है। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपना स्ट्रेटेजी पोर्शन में। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा स्टॉप लॉस। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हम लोग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस
भी कैसा डालना है उसके बारे में बताएंगे। स्टॉप लॉस आपका कम से कम रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसको कुछ कैंडल के साथ आपको कोरिलेट करना है और वो कैंडल के साथ ही आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो आपको ट्रेड कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड करना है और इस स्ट्रेटेजी को डेली फॉलो करके डेली आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को यूज करना है, तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है ये मान के चलो, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, उसको कभी आपको ये नहीं करना है स्टॉप लॉस के पीछे, स्टॉप लॉस आता है देना है दोस्तों। तो अब आपको सीधा हम स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, और कैसे आप डेली 7500 कमा सकते हैं, यानी 200 पॉइंट के 5000 और 100 पॉइंट के 2500 यानी 7500। कभी कभी देना पड़ेगा तो मैक्सिमम 2500 देना पड़ेगा, ये समझ के चलिए दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आपको सीधा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला आपको स्ट्रैटेजी समझने के लिए सबसे पहले आपको डेली चार्ट यूज़ करना है, ध्यान से सुनिए, डेली चार्ट यूज़ करना है। डेली चार्ट आपको ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, आपका ट्रेड डिसीजन आपको बाय ट्रेड लेना है या सेल ट्रेड लेना है, वो डिसीजन लेने के लिए आपको डेली चार्ट लगाना है। डेली चार्ट में आपको इचिमोकु क्लाउड्स, ये आप सर्च करेंगे यहाँ पे इचिमोकु, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है तो ये सभी जगह रहता है इचिमोकु करके, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इचिमोकु क्लाउड्स आ गया है। अब इसको क्या है, इसमें सिंपल आपको देखना है जब ये क्लाउड के ऊपर है, यानी ये ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इस ऐसे पॉजिटिव क्लाउड के ऊपर जब भी रहेगा आपको वहाँ पे बाय ट्रेड का मौका खोजना है। ध्यान से सुनिए, जब भी क्लाउड के ऊपर है उस दिन आपको खाली बाय का मौका खोजना है, और जैसा ये क्लाउड के नीचे है ये इस टाइप से, तो जहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्लाउड के नीचे वाला, जहाँ आपको क्लाउड के नीचे आएगा ये, वहाँ पे आपको इन बिटवीन का क्राउड मतलब रेंज बाउंड है, तो वैसे कंडीशन में आपको सेल के मौके खोजना है। यहाँ पे क्राउड के नीचे है तो यहाँ पे सेल के मौके खोजना है। तो ये हो गया, डेली चार्ट से आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कहीं भी कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछिए दोस्तों, और वीडियो को पॉज कीजिए, रिपीट करिए, रिपीट करके देखिए। यहाँ पे आप ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेड का डायरेक्शन आप पॉजिटिव ट्रेड लेंगे जब ये क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इन बिटवीन क्लाउड्स है तो उस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना है, उस टाइम में छोड़ देना है दोस्तों। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपका होना चाहिए। अब उसके बाद सीधा हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। सो ये 15 मिनट चार्ट है, एक बोलिंगर बैंड आपके सामने लगा के रखा है दोस्तों। अभी मैं सीधा अपना एंड से चालू करता हूँ, अभी लेटेस्ट पोजीशन से लेके अपने को 200 पॉइंट लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई ऐसा ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे डाउन नीचे आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बॉटम बन रहा है उसको खोजना है। तो यहाँ पे एक बॉटम बन गया, यानी नीचे आ रहा था उसके बाद एक बॉटम बन गया, उसके बाद ऊपर दूसरा बॉटम जब बन गया, दूसरा बॉटम को ध्यान में रखना है, पहला बॉटम को नहीं, दूसरा बॉटम को ध्यान रखना है। दूसरा बॉटम बन गया उसमें पॉजिटिव कैंडल को ढूंढना है, ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये पॉजिटिव कैंडल, इस कैंडल के ऊपर बाय करना है आपको, यहाँ पे बाय करना है, इस कैंडल के ऊपर बाय करना है दोस्तों। ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको फॉलो करिए, इस कैंडल के ऊपर बाय करना है और इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस डालना है, यानी अपना स्टॉप लॉस आपका कितना होगा वो कैंडल का हाई और लो का रेंज रहेगा, तो उसको ध्यान में रखिए। ये काफ़ी छोटा रहेगा तो इसमें उतना आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं, ये स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा, कैंडल का रेंज रहेगा, कभी कभी एक आध बार बड़ा कैंडल हो सकता है, लेकिन जनरली ये कैंडल 100 पॉइंट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका जैसे ये ट्रिगर हो गया 650 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 750 में पहला निकल जाएगा आपका और दूसरा लॉट 200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा दोस्तों।
तो इस टाइप से आपको फॉलो करना है। अभी यहाँ पे भी आपको ये ट्रेंड यहाँ पे डाउन गया था, यहाँ पे वापस इस टाइप से अब ट्रेंड चल रहा है, वापस यहाँ पे करेक्शन होता है, लेकिन इससे हायर बॉटम बनाता है, इससे हायर बॉटम बनाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इससे हायर बॉटम बना रहा है। तो इस कंडीशन में भी आप बाय कर सकते हैं। कौन सा, ये जब रेड कैंडल इसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बन गया तो इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा। तो यहाँ पे आप बाय कर लिया वापिस, यहाँ पे आपको जैसा ये बाय किया है 741 में और 841 ये आ गया आपका 100 पॉइंट, और दूसरा यहाँ पे आपका 941, तो ये 200 पॉइंट यहाँ पे भी आ गया दोस्तों। तो इस टाइप से आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अभी आपने आपका जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है स्ट्रेटेजी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उसमें आपको खाली बाइंग के मौके ढूंढना है दोस्तों। तो जब जब गिरावट आएगी उस टाइम में आपको ऐसे इस टाइप से हायर लोज आपको फॉर्मेशन को देखना है। अभी जब जब उस टाइप से कंडीशन रहेगा डेली ट्रेड में उसको ऑब्जर्व करना है। और सेल के लिए आपको सेल के लिए भी कंडीशंस मैं आपको दिखा दूंगा पहले यहाँ पे। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको खाली वही ढूंढना है आपको दोस्तों। जैसे ये नीचे आ रहा था, यहाँ पे आप मार्क कर दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो ये बनेगा, इसके बाद यहाँ इसके ऊपर बाय कर लिए और इस टाइप से ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो इस स्ट्रेटेजी को इस टाइप से आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ डेली मिलते रहेंगे 15 मिनट के चार्ट में, आपको इस टाइप से ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ एनकैश करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको डेली ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। डेली ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जब भी मिलेगा आप 7500 रुपीज़ कमा लेंगे दोस्तों। स्टॉप लॉस गया तो मैक्सिमम 2500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे एक डाउन आ रहा था, मार्केट डाउन आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे बेस बना के ऊपर गया, फिर एक करेक्शन हो गया और करेक्शन के बाद यहाँ पे हायर ये बॉटम जो बनाया, हायर बॉटम बनाया, और इसके बाद यहाँ पे जो इस कैंडल के ये कैंडल बन गई है, इस कैंडल के ऊपर आपको बाय करना है दोस्तों। तो कहीं कहीं आपको साइडवेज जाएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मिलने का मौका नहीं रहेगा, ऐसा भी कंडीशंस आएगा तो उसको देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस टाइप से आपको इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा कमाने का चांसेस है। अभी आपको ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, प्लस में चल रहा है, तो प्लस वाले ट्रेड ढूंढना है और आपको 100 और 200 पॉइंट्स को ही फॉलो करना है। तो कुछ कुछ कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कहीं कहीं आपको कम रिटर्न मिलेंगे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ डे आप 3:15 के पहले या 3 बजे के आसपास निकल सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक गिरावट आई थी, यहाँ पे एक गिरावट आई, इसके बाद यहाँ पे आप इसका एक बॉटम बन गया, उसका दूसरा बॉटम यहाँ पे बन गया, इस कैंडल के ऊपर बाय कर लिया, ये यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर एक करेक्शन, इसके बाद यहाँ पे एक फिर बॉटम, तो इस कैंडल के ऊपर बाय कर लिया, ये यहाँ का आपका एग्जिट हो जाएगा दोस्तों। यस, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको उस बात को ध्यान में रखिए, इसको आप चेक करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, आपको पता चलेगा दोस्तों ये स्ट्रेटेजी कितना दमदार काम करती है। इसी प्रकार आपको ऊपर का जो सेल वाला ट्रेड्स ढूंढना है, तो सेल वाला ट्रेड्स में आपको क्या करना है ये देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्लाउड्स में जाकर देखना है कि अपना जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं दोस्तों, उसको ध्यान में रखिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडीशन में यहाँ पे ये एक टॉप हो गया, उसके बाद ये लोअर टॉप बन गया, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे तो यहाँ पे आराम से और ये कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
तो यहाँ पे आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा। यहाँ इसी टाइप से अब जब जब ऐसा जब ट्रेंड रिवर्सल रहेगा जैसे जिस टाइप से रहेगा, जब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप बना लिया, उसके बाद दोबारा ये दूसरा टॉप उससे लोअर टॉप बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे गिरावट आई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप से ट्रेड्स आपको लेना है इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होंगी। अगर कहीं कुछ क्वेरी होंगी तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसा बाय ट्रेड बन गया, यहाँ पे मस्त आपको टारगेट मिल गए। तो इस टाइप से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।